हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को डीफॉर्मिंग की होम्योपैथिक मेडिसिंस बताऊंगी, जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ड्रॉप और सिरप नहीं बता पाई थी। बच्चों के कीड़े की मेडिसिंस बताई थी, तो आज मैं आप लोगों को बच्चों के जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, उनकी होम्योपैथिक मेडिसिंस सिरप और ड्रॉप बताऊँगी। तो टू ड्रॉप्स होते हैं होम्योपैथिक में, जो स्पेशली बच्चों के लिए होते हैं। आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये ड्रॉप और प्रीवियस में जो मैंने मेडिसिंस बताए थे, अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो 6 पावर यूज़ करिएगा, और अगर 7 साल, 8 साल, 10 साल के हैं तो आप 30 पावर यूज़ कर सकते हैं। और जो ये मैं आज इस वीडियो में ड्रॉप बताऊँगी, ये किसी भी एज ग्रुप के हों तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहला SBL का है, वॉर्म रीड ड्रॉप है, एक SBL बनाती है इसे, वॉर्म रीड ड्रॉप नाम है इसका। इसको 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स विद वाटर ले सकते हैं। सेकंड जर्मनी ड्रॉप है, उसका नाम है रेगवेक का ड्रॉप है, 56 R56, वो ड्रॉप भी आप ले सकते हैं। उसे 10 ड्रॉप विद वाटर 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। इन ड्रॉप में से कोई एक ड्रॉप आपको यूज़ करना है, दोनों ड्रॉप यूज़ नहीं करने हैं। जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए तो आप दोनों ड्रॉप में से कोई एक ड्रॉप यूज़ करिए। साथ में आपको एक कैलमेक ड्रॉप और कैलमेक सिरप आता है, वो भी यूज़ करना है, तो आप वो साथ में देना है। ड्रॉप भी यूज़ करें या सिरप यूज़ करें तो कैलमेक ज़रूर यूज़ करें। कैलमेक ड्रॉप इसलिए यूज़ करना है आपको, उसका सिरप, क्योंकि अगर किसी बच्चे को इनलार्जमेंट एब्डोमेन हो जाता है, मतलब पेट बढ़ा हुआ है और पेट में कीड़े हैं और बहुत खुजली हो रही है, दस्त लगे हुए हैं, पेट साफ़ नहीं हो रहा है और रो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कैलमेक का ड्रॉप भी आता है और कैलमेक के सिरप भी आता है, तो आप वो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आप उसे यूज़ करिए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।